बिहार सरकार कह रही है कि इस पुल को हम दोबारा से बनाएंगे, लेकिन 1700 करोड़ का ये पुल था और अब कहा जा रहा है कि हम लोग रिकवर करेंगे, 8 डेडलाइन फेल हो गई थी, क्या लगता है आप लोगों को इस पर? देखिए, बिहार में अभी तक दर्जनों पुल गिर चुका है। आपको याद होगा कि एक छठ पर्व के समय में पटना में एक पुल गिरा था जिसमें 13 लोग मारे गए थे, और पटना के बगल में था, छठ पर्व में था, फिर भी नीतीश कुमार जी मृतक के परिवार से मिलने नहीं गए। फिर उसके बाद बक्सर में पुल गिरा था, कई तरह के पुल गिरा, और ये पुल जो खास करके है अगवानी घाट का, एक वर्ष में 2 बार गिरा, पहले भी गिरा था 7-8 महीना पहले, और इसमें भी गिरा। और डिप्टी सीएम जी ने एक्सेप्ट किया कि मुझको जानकारी थी, रुड़की का जो इंजीनियर थे उन्होंने पहले ही आकर के उनको जानकारी दी थी कि पुल कमज़ोर है, इसका पाया कमज़ोर है, कभी भी गिर सकता है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब ये है, साफ स्पष्ट संकेत है कि पुल के जो डिपार्टमेंट का जो पुल निर्माण का जो MD है उससे और बिहार सरकार से कहीं ना कहीं तालमेल है और मिलीभगत है, जिसके चलते 2-2 बार पुल का पाया गिरा और 1700 करोड़ की क्षति हुई। आर्थिक क्षति तो हुई ही, अधिकांश काफ़ी लोग मारे भी गए, जिस बात को न्यूज़ को छिपाया गया है, उस पुल के नीचे में काफ़ी लोग दब के मर गए, जो लेबर क्लास का लोग था, मजदूर क्लास का लोग था, वो अंदर में दब के मर गया। तो ये बिहार सरकार की विफलता है। देखिए, बिहार सरकार आज के तारीख में बिल्कुल ही सक्षम नहीं है प्रशासन चलाने में। आप पुल की स्थिति देख लीजिए, आप लॉ ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए, रोज़ लूट, हत्या, बलात्कार, मारपीट हो रहा है, बैंक रॉबरी हो रहा है, इसलिए बिहार में अब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक पटना में होने वाली है, कई लीडर शामिल हो रहे हैं इस बैठक से, प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करने की बात 24 में हो रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो छोटी मुंह और बड़ी बात हुई, प्रधानमंत्री जी चैलेंज करने की स्थिति में आज की तारीख में देश में कोई लीडर नहीं है और उनके समकक्ष भी कोई लीडर नहीं है विपक्ष में, और विपक्षी एकता जो है वो विखंडित है। आप हमको एक बात बताइए, इन लोगों से पूछिए कि देश के प्रधानमंत्री के दावेदार कौन होगा? ममता बनर्जी हैं, उनको कांग्रेस से एलर्जी है, उनको CPM से एलर्जी है, केजरीवाल साहब हैं तो उनको कांग्रेस से एलर्जी है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल ही न्यूट्रल गेम में हैं, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी का बयान आप परसों सुन लिए हैं, वो भी इस गठबंधन में नहीं हैं। तो इस ढंग से मायावती जी हैं, वो इस गठबंधन में नहीं हैं, तो देश के अधिकांश लीडर्स इस गठबंधन में नहीं, और जो हैं भी, जब नेता नाम की बात होगी कि नेता कौन बनेगा, तो सब पीछे हट जाएगा, इसलिए ये गठबंधन कभी संभव नहीं है, न आज तक हुआ है न कभी होगा। कल एक बयान आया, तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से लालू यादव ने आडवाणी का रथ रोका था, नीतीश जी और लालू जी मिलकर मोदी का रथ रोक देंगे अगली बार। ये तो असंभव चीज है, दिवा स्वप्न है, ये दिवा स्वप्न है। आज के तारीख में देखिए, आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी देश के पटल पर ही नहीं, विश्व के पटल पर सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। आप देखिए, ये आज से एक सप्ताह पहले वो विदेश गए थे, तो अमेरिका के जैसे राष्ट्रपति ने भी इच्छा जाहिर की है कि आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि आपका ऑटोग्राफ चाहिए। एक दूसरे कंट्री का राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ के प्रधानमंत्री जी का पैर छू के प्रणाम किया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि देखिए, आज तक देश में आज़ादी के बाद, देश तकरीबन 74-75 वर्ष आज़ादी का हुआ है, आज तक देश प्रधानमंत्री को चुना था जो देश का नेता था, पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को चुना गया है जो पूरे वर्ल्ड का नेता है, इसलिए ये संभव नहीं है। और एक अनार 100 बीमार है, इसलिए असंभव चीज़ है जो तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं, असंभव चीज़ है। पहले अपने देखें, अपने केस मुकदमा के बारे में देखें, फिर नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करें।